हेलो नमस्कार, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। यू क्रोमेटिन इज लूजली पैक क्रोमेटिन। देखिए, हमारी जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन थ्रेड है जो इसे फैला पड़ा है, लेकिन कहीं कहीं आपको ये थोड़ा कॉम्पैक्ट दिखेगा और कहीं कहीं थोड़ा लूज दिखाई देगा। जहाँ जहाँ ये कॉम्पैक्ट है वहाँ ये डार्क कलर का है, उस एरिया को हम हीटरोक्रोमेटिन कहते हैं, हीटरोक्रोमेटिन। और जहाँ जहाँ पे थोड़ा लूज है वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा। ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन इज द सिंथेसिस ऑफ आरएनए ओवर द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। व्हाट इज रेप्लिकेशन? डीएनए प्रोडक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड ओवर द डीएनए स्ट्रैंड, दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। सो ये जो यूक्रोमेटिन है, यूक्रोमेटिन वो ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव होगा, हीटरोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव नहीं होगा। हीटरोक्रोमेटिन जो कंडेंस है डार्क है, कंडेंस है, डार्क है और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं है। ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है यूक्रोमेटिन, जो आपका लाइटर इन शेड है और थोड़ा सा लूजली पैक्ड है, ठीक है, वो यूक्रोमेटिन है। चलिए आइए, अब हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, अब आगे देखें। यूक्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड, ठीक है, पहला। हीटरोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं। हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए इन न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन ऑक्टामर, ये आठ हमारे हिस्टोन के मॉलिक्यूल, और इसके रैप हो जाएगा, इस पर कौन, इस पर रैप हो जाएगा हमारा डीएनए का स्ट्रैंड। तो डीएनए का स्ट्रैंड जब इस पर रैप होता है, कलर ही नहीं बदला, हाँ जी, डीएनए का स्ट्रैंड इस पर रैप होके 1 and 3/4 टर्न आगे बढ़ जाता है, फिर दूसरे ऑक्टामर पे रैप होता है। दो ऑक्टामर के बीच में ये जो है, इसको हम लोग बोलते हैं लिंकर डीएनए, जो आपकी बुक में नहीं दे रखा, इसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। और जब इस पर रैप हो जाता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम पे करीब 200 बेस पेयर एक न्यूक्लियोसोम पे होते हैं रैप लगभग, इतना जानने के बाद। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, दीज आर बेसिक इन नेचर एंड पॉजिटिवली चार्ज, वेयर एज डीएनए मॉलिक्यूल इज नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप होने के कारण। तो ये चलिए नेगेटिव, और इसीलिए उस पर लिपट जाता है पॉजिटिवली चार्ज पे। हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप बाय नेगेटिवली चार्ज इन न्यूक्लियोसोम। ऑक्टामर पे जब लिपट गया था उसको न्यूक्लियोसोम बोल रहे, ठीक बात है। यूक्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड, यूक्रोमेटिन हमारा लूजली पैक्ड है, ठीक है। हीटरोक्रोमेटिन ट्रांसमेशन एक्टिव है नहीं। हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन आर्जिनिन एंड लाइसिन, ठीक है। ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेंट्स 200 बेस पेयर, ना 400 लिखा 200 होगा। तो हमारा यू क्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड, ठीक है। हीटरोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, गलत है। ए सी डी, ए सी डी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, यू शुड गो विद इट, करेक्ट ये है। हमारा बी स्टेटमेंट गलत है, हीटरोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होता और टिपिकल न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं। ये दो स्टेटमेंट इसलिए ठीक नहीं है, बाकी ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिला। बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ, अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, मिलता हूँ ब्रेक के बाद।